शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना, उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए, पर श्रावण के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को श्रावण के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा, किसी भी तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना, पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलो, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और साथ में गया, पर तुम्हें नहीं बोलना है, और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4-3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म, रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले 4 दिन पहले 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए, रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी कर, जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मान्य है। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके तब तुम उभरो, तो उसके लिए चने की दाल को 1 रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर, जो आपके हाउस से उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर अपनी कामना कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए महाराज, उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज, उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी, आपकी कामना के अनुसार बिकेगी, कितने में आपको बेचना अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के, मनवांछित फल की प्राप्ति के, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो
कई लोग जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिलता, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ। तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठा कर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होना चालू, आपको कमीशन मिलना।